भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए नरेंद्रनगर राजदरबार में तिलों का तेल पिरोया गया। नरेंद्रनगर राजमहल में महाराज राजलक्ष्मी शाह और अन्य सुहागिन महिलाओं ने तिलों का तेल पिरोया। पुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने कहा कि भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया विधि विधान से शुरू हो गई है। तिलों का तेल पिरोना उसी का एक हिस्सा है। पुरानी परंपरा एक बनी हुई है और इस तेल का सबसे पहले भगवान बद्रीनाथ जी के शरीर पर श्री विग्रह पर मालिश की जाती है और उसके बाद में अन्य जो वस्तुएं हैं दूध दही आदि के द्वारा भगवान का प्रतिदिन अभिषेक किया जाता है। ये पुरानी परंपरा है। इस दिन का जो दिनवार है, जो डेट है, समय है, ये बसंत पंचमी निर्धारण किया जाता है और सुहागिनी महिलाएं उपवास लेकर के इस तिलों से तेल को पिरोती हैं। इस मौके पर माला राजलक्ष्मी शाह ने विश्व शांति और समृद्धि की कामना की, साथ ही देश और दुनिया के लोगों को चारधाम यात्रा पर आने का निमंत्रण भी दिया। पीला वस्त्र पहनकर महिलाओं ने विधि विधान के साथ उपवास रख तिलों का तेल पिरोया। नाथ जी का जो तेल हम गाड़ू तेल निकालते हैं, आज का दिन शुभ दिन है और इसके बाद वे तेल निकालकर हम आगे भेजते हैं और बद्रीनाथ जी के पास पहुंचकर फाटक खुलते हैं और तेल साल भर के लिए रखते हैं और जे अभी जलता है, मालिश के लिए भी होता है और ये सब सभा के 25 महिलाएं और कुमारी लड़कियां करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ध्यान और बहुत ही शुद्ध होकर काम करते हैं और तेल निकलते हैं। नरेंद्रनगर राजदरबार से गाड़ूघड़ा तेल कलश यात्रा ऋषिकेश के लिए रवाना होगी। 7 मई तक गाड़ूघड़ा तेल कलश लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। 8 मई को यात्रा सिमली कर्णप्रयाग होते हुए पाखी गांव पहुंचेगी। 9 मई को नरसिंह मंदिर जोशीमठ और 10 को यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, बद्रीनाथ के रावल, धर्माधिकारी और वेद पाठियों के साथ रात्रि प्रवास के लिए योगाध्यान मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचेगी। इसके बाद 12 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ लिए खोल दिए जाएंगे।